हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 27 नवंबर 2020 को न्यूज़पेपर्स में कौन सी न्यूज़ आपको पढ़नी है और कौन सी आप स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो का मेन पर्पस यही है कि आपको न्यूज़ सिलेक्ट करने का जो आर्ट है वो आप सीख सकें, बिकॉज एवरी डे द न्यूज़पेपर्स आर फिल्ड विद न्यूज़ बट नॉट ऑल ऑफ दोज आर रेलेवेंट। काफ़ी सारी न्यूज़ जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने लग जाते हैं बट दे डू नॉट help them in the exam, especially the civil services exam in any way. इसलिए इस वीडियो से हमारा ये इनिशिएटिव है कि अभिमन्यूज़ का जो 20 years का एक्सपीरियंस है, with that we can tell you how to target the newspaper, because newspaper reading is inevitable if you are preparing for civil services. किसी भी तरह के shortcuts, including weekly current affairs modules or monthly current affairs modules, they cannot be a substitute for newspaper reading. They can be an add-on, they can be used for revision purpose, but they cannot substitute your newspaper reading. So for newspaper reading is very important, and for that you should know what to study and what not to. So dekhte hain ki aaj 27 November 2020 ke newspaper mein kaun si news aapko padhni chahiye. So let us start. The Hindu, page number 1. Nivar साइक्लोन की ये न्यूज है। 3 किल्ड, क्रॉप्स डैमेज्ड एज निवार क्रॉसेस तमिलनाडु कोस्ट। तो साइक्लोन की ये न्यूज है। अब ये कुछ न्यूज जो है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, वो लूप में चलती हैं। अभी कुछ दिनों तक ये न्यूज चलती रहेगी। कोई भी इसमें बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, कोई भी इसमें आर्टिकल्स आ रहे हैं, वो सब उनको पढ़ के आप एक ही जगह कंपाइल करेंगे। उसमें साइक्लोन के जो फीचर्स हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट है, वो दोनों आप एक जगह पे नोट करेंगे। उसके बाद ये जो पुलिस स्टॉप फार्मर्स मार्च टू दिल्ली एट हरियाणा यूपी बॉर्डर्स, इसमें आपको जो भी ऑर्डिनेंसेस पास की हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो भी लॉज पास किए हैं, उनकी सारी की सारी डिटेल पता होनी चाहिए, एंटायर एनालिसिस ऑफ दैट। तो ये न्यूज एज सच इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वो लॉज क्या है, उनकी फीचर्स क्या है, दैट यू शुड नो। आज की जो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रंट पेज पे है, PM pitches for one nation, one election. कई state services exams में ये mains में भी question पूछा जा चुका है, what is the significance and what are the challenges to one nation, one election? या अगर पूरे इंडिया में एक ही इलेक्शन कराया जाता है, जिससे कि लोकसभा और स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हों वो इकट्ठे चुने जाए, यानी कि एक ही बार इलेक्शन हो। अभी क्या होता है, 5 साल बाद लोकसभा इलेक्शन होता है, और इंडिया में 28 states हैं और 2 UTs हैं जिनमें इलेक्शन होते हैं, इनफैक्ट 3 UTs हो गए हैं अब। तो हर साल 5 से 6 states में इलेक्शन होते हैं, सो द कंट्री इज ऑलवेज इन द इलेक्शन मोड। एक या दूसरे स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, और नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स भी जो हैं उन पार्टीज के, वो वहां पर कैंपेनिंग के लिए जाते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स। सो दैट डिसरप्ट्स द इलेक्शन प्रोसेस, दैट डिसरप्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा, फ्रीक्वेंट पोल्स हैम्पर डेवलपमेंट। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर डिस्कशन के लिए प्राइम मिनिस्टर इज नाउ अर्जिंग। ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है, व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द कॉन्स अगर एक ही इलेक्शन कराया जाता है। उसके बाद पेज नंबर 6, द एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पे स्टॉर्म वार्निंग्स, गवर्नमेंट्स कैन हैंडल साइक्लोन्स बेटर बाय इन्वेस्टिंग इन टाउन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर है, प्रिवेंशन के ऊपर है कि कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है। तो ये भी आप वहीं पर ऐड करेंगे, इसमें कुछ सजेशंस हैं, इन्हें आप डिजास्टर मैनेजमेंट या ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं, वहां पर साइक्लोन के साथ ये रेमेडियल स्टेप्स एंड प्रिवेंटिव स्टेप्स ये आप वहां पर ऐड करेंगे। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में आपका आपको पढ़ना है। उसके बाद जो दूसरा एडिटोरियल है, पुलिसिंग फेथ, एंटी कन्वर्जन लॉज दैट बार इंटर मैरिजेस विल लीड टू द पाथ ऑफ सोशल रिग्रेशन। कुछ स्टेट्स हैं जो लव जिहाद, द एलेज लव जिहाद को रोकने के लिए एंटी कन्वर्जन लॉज पास कर रही हैं। तो ये उस पर एक क्रिटिकल पीस है, दैट दिस टाइप ऑफ लॉ इज अनवॉरेंटेड इन इंडिया, कि इससे जो रिलीजियस फ्रीडम है और जो फ्रीडम टू मैरी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। सो इट रिमेन्स टू बी सीन, काफ़ी सब्जेक्टिव इशू है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव
whether a person has converted because of marriage or has married because of conversion. It is very difficult to gauge. But since most of the states have started passing this legislation, iska social impact kya hoga, religious impact kya hoga, communalism, secularism wale angle se aapne isko zarur dekhna hai. To society for males, this article you have to read. Baki dono articles aap chhod sakte hain is page ke. Uske baad Indian polity point of view se on page number 7 OPED. Are tougher laws the answer to check online abuse? ये है Kerala government ने एक ordinance issue की थी that gave unbridled powers to the police to arrest anyone expressing or disseminating any matter that it seems defamatory. इसमें पुलिस को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई थी, कोई भी defamatory article या piece कोई भी इंसान social media पर share करता है तो उसे arrest किया जा सकता था. It was something like article या section 66A of the Information Technology Act जो कि कुछ साल पहले कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था. तो केरला ने अब ऐसी जो है ऑर्डिनेंस इशू की है जो कि काफी ज्यादा राइट्स को कर्ब करती है. तो इसलिए ये जो डिस्कशन है ये आपकी इंडियन पॉलिटी पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी है. इससे आपको कुछ फाइन पॉइंट्स मिलेंगे जिसको आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं और आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा दैट हाउ दीज टाइप ऑफ फ्रीडम्स आर टू बी केप्ट अलाइव एंड हाउ दीज टाइप ऑफ कर्ब्स दे हैव टू बी रिमूव्ड. तो ये आपको आर्टिकल पढ़ना है. It's a good article. In fact, it's a discussion. उसके बाद पेज नंबर 10, श्रृंगला इन नेपाल टू मेंटाइस. श्रृंगला इन नेपाल टू मेंटाइस. तो जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला वो नेपाल में गए हुए हैं और इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशंस पिछले कुछ देर से खराब चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट. एक नया बाउंड्री डिस्प्यूट आ गया है इन लिम्पिया धुरा कालापानी एंड दिस शिपकिला. सो लिपुलेख पास, आई एम सॉरी, सो लिपुलेख पास, सो लिपुलेख पास, लिम्पिया धुरा एंड कालापानी, इन तीनों में, इन तीनों एरियाज को लेकर इंडिया और नेपाल के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई हैं. तो उस कॉन्टेक्स्ट में ट्रेड जो टाइज हैं उसको रिसेट करने के लिए इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी नेपाल गए हुए हैं. इंडिया नेपाल रिलेशंस में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्या क्या चल रहा है आईआर में, आपको सभी कंट्रीज के साथ पैरेलली चलाना है. आई वुड सजेस्ट यू कि आईआर में नेबरिंग कंट्रीज के लिए और कुछ और इंपॉर्टेंट कंट्रीज जैसे कि रशिया, यूएस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की कंट्रीज के लिए आप अलग से टैब्स बनाएं, अलग से पेजेस बनाएं ताकि वो एक लाइन में जो भी डेवलपमेंट होती है वो आप वहां पर नोट कर सकें. तो यहां पर ये डेवलपमेंट आपको ध्यान में रखनी है. ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो ये कंडक्ट किया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी स्पीकर थे और इसमें कुछ और कंट्रीज के लीडर्स भी थे इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल. तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफी बात की गई है और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं इन्होंने अलग अलग बिजनेसेस को और इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया है कि वो इंडिया में आकर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ाने में मदद करें. इससे क्लाइमेट चेंज को रोकने में भी हेल्प मिलेगी और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी. सो इट्स अ विन विन सॉल्यूशन. उसके बाद आगे चलेंगे ऑन पेज नंबर 14 बिजनेस पेज. जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड 10.7% इन क्वार्टर टू. 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर में जो इंडिया की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 10.7% कॉन्ट्रैक्ट किया है विच इज लेसर देन क्वार्टर वन. बट क्वार्टर टू में ये इंपैक्ट अभी भी है स्लो डाउन का और जो दिस लॉकडाउन इंड्यूस्ड बाय कोरोना वायरस. तो 23.9% था फर्स्ट क्वार्टर में और अब ये कम होकर रह गया है 10.7%. तो कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है मतलब अभी हमें नॉर्मल पे जाकर पॉजिटिव होने में टाइम लगेगा. इट रिमेन्स टू बी सीन वट क्वार्टर थ्री डेटा विल बी बिकॉज क्वार्टर थ्री तक प्रॉपरली जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो रिस्टोर हो चुकी है. सो वेन इन जनवरी और फेब्रुवरी वेन द थर्ड क्वार्टर डेटा विल कम इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी that from October to December,
व्हाट आर द हाउ द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया हैज रिवाइव्ड. तो आरबीआई के गवर्नर भी कह रहे हैं दैट रिकवरी मोमेंटम इज स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड. तो लेट अस सी, रिमेन्स टू बी सीन हाउ क्विकली इंडिया रिकवर्स फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. इंडियन एक्सप्रेस में लेट अस गो डायरेक्टली टू द एक्सप्लेन्ड पेज. सो ऑन पेज नंबर 18 the explained page, takeaways from Oxford error. तो ये जो भी वैक्सीन की डेवलपमेंट चल रही है उस कॉन्टेक्स्ट में जो जो चेंजेस आ रहे हैं, तो जो भी उसमें एरर्स थे, whatever the aspect of that vaccine is, ये आर्टिकल आपको पढ़ना है. इसमें वो एक्सप्लेन किया गया इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, एरर क्या था, एरर कैसे हुआ. तो इंडिया की जो वैक्सीन है क्या उस पर भी क्वेश्चन उठेंगे, ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू सी. देन President's power to pardon in US and in India. US के President Donald Trump ने, जो कि outgoing US President हैं, उन्होंने अपने एक official को pardon दी है, official pardon दी है अपने एक former employee को, Mr. Flynn. तो उस context में India और US के President की pardoning powers को compare किया गया है. Very very important from your Indian polity perspective, prelims point of view से भी और mains में भी, जहां पे comparison between Indian constitution with other constitutions का स्पेसिफिक टॉपिक दिया हुआ है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस न्यूज यू हैव टू रीड फॉर इंडियन पॉलिटी पर्सपेक्टिव. आप चाहें तो इस न्यूज की कटिंग भी रख सकते हैं जहां पे भी आप इंडियन पॉलिटी के नोट्स बना रहे हैं, इट इज दैट इंपॉर्टेंट. तो ये आपको जरूर पढ़नी है. उसके बाद एडिटोरियल पेज पे आए, तो पहला एडिटोरियल है द रेड लाइन्स. तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर वेंकैया नायडू ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ पर्टिकुलर केसेस में जुडिशियल ओवररीच कर रहा है, यानी कि अपने लिमिट से बाहर जा रहा है. अब सुप्रीम कोर्ट अपने लिमिट से बाहर जा रहा है का मतलब क्या है, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस डिवीजन ऑफ पावर्स. तीन ऑर्गन्स होते हैं स्टेट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उस लॉ को इंप्लीमेंट करना, और जुडिशियरी का काम है ये देखना कि क्या लेजिस्लेचर लॉज जो बना रहा है वो अच्छे से बना रहा है, और एग्जीक्यूटिव जो लॉज इंप्लीमेंट कर रहा है वो अच्छे से कर रहा है या नहीं. तो यहां पर जो जुडिशियरी है उसका काम लॉ बनाना नहीं है. इफ इट स्टार्ट्स मेकिंग लॉ और इफ इट स्टार्ट्स टेलिंग व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, वो खुद लॉज को बना के या रूल्स को बना के इंप्लीमेंट करने लग जाए, देन इट विल बी स्टेपिंग इनटू द डोमेन्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, विच शुड नॉट आइडियली हैपन. तो वाइस प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली कहा कि कुछ जजमेंट से ऐसा लगता है कि जुडिशियरी ओवररीच कर रही है. तो इस आर्टिकल में उस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है. इसमें कहा गया है कि जुडिशियरी एक्चुअली ओवररीच नहीं कर रही है, इनफैक्ट इट इज द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर विच इज ओवररीचिंग. तो इस तरह से इट्स एन ओपिनियनेटेड आर्टिकल, लेकिन इंडियन पॉलिटी में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एक अच्छा आर्टिकल है जो आपको पढ़ लेना चाहिए. उसके बाद वर्ल्ड पेज पे आते हैं हम. वर्ल्ड पेज पे एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, न्यूजीलैंड टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग. न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा आर्डर्न ने ये सोचा है दैट क्लाइमेट इमरजेंसी हैज टू बी डिक्लेयर्ड इफ ग्लोबल वार्मिंग इज टू बी रिड्यूस्ड. क्योंकि न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री है एंड इट इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहां पर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा. सो दिस न्यूज ऑल्सो यू हैव टू रीड. सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.